गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन पार्ट 3 की कोडिंग फॉर्म। अब देखो कोडिंग फॉर्म में क्या होगा, आपको ये सिनेरियो पूरा पेपर में दिया होगा। तो पहले दिया होगा जैसे m मल्टीप्लाई n, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर यानी कि m सिस्टर है n की, प्लस का मतलब है सन यानी कि m सन है n का, डिवाइड का मतलब है फादर m पिता है n का, माइनस का मतलब है वाइफ m पत्नी लगती है किसकी n की। अब आपको क्वेश्चन दिया ये, तो सबसे पहले आप देखो डिवाइड का मीनिंग क्या है। तो आपने देखा डिवाइड, डिवाइड का मीनिंग क्या है, फादर, यानी कि जे फादर है, इसको एम मान लो, इसको एन मान लो, तो जे है फादर। मैंने आपको बताया प्लस का सिंबल मेल के लिए, जे फादर है तो ऊपर होगा, जे फादर है किसका, एल का। अब मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, सिस्टर, एम सिस्टर एन की, अब ये एम आ जाएगा ये एन, तो एल सिस्टर है किसकी, पी की। अब आप ब्लड रिलेशन पार्ट 1 और 2 जरूर देखना ताकि आपको थोड़ा कांसेप्ट पहले वाला क्लियर हो जाए। तो अब क्वेश्चन है हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, जे का पी से क्या संबंध है। अब जे की ये लड़की है और इस लड़की की ये सिब्लिंग्स है, ठीक है, तो जे फादर है किसका, पी का, तो क्या आंसर आ जाएगा, फादर यानी कि पिता। क्वेश्चन में क्या है, ए माइनस बी यानी कि माइनस का मीनिंग क्या है, वाइफ, तो इसको एम मान लो, इसको एन मान लो, ए वाइफ है किसकी, ए वाइफ है किसकी, बी की, दो एरो किसी होते हैं मैरिड कपल के लिए। अब डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब फादर, बी फादर है किसका, सी का, तो बी फादर है किसका, सी का। अब क्वेश्चन है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, अब ए का सी से क्या संबंध है, ए बी मैरिड कपल है तो बी का बच्चा है सी, तो ए क्या लगी, ए मदर लगी किसकी, सी की, तो क्या आंसर रहेगा, मदर। अब देखो मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, सिस्टर, अब एल सिस्टर है किसकी, एल सिस्टर किसकी, ए की। अब प्लस का मतलब क्या है, सन, ए सन है किसका, बी का। माइनस का मतलब क्या है, वाइफ, तो बी वाइफ है किसकी, सी की, तो ये हस्बैंड हो जाएगा। क्वेश्चन है हाउ इज सी रिलेटेड टू एल, तो सी का क्या रिलेशन है एल से, तो इनके ये दोनों बच्चे हैं तो सी फादर है किसका, एल का, तो क्या आंसर आ जाएगा, फादर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा होगा जैसे एम इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ मदर ऑफ टी, ग्रैंड मदर ऑफ टी, तो ये किस ऑप्शन में दिया है। तो दो तरीके जो मैंने पहले सिखाए लेक्चर उससे सॉल्व कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मदर, एम जो है मदर है किसकी, एन की, परसेंटेज का मतलब क्या है, वाइफ, एन वाइफ है किसकी, एस की, तो ये हस्बैंड हुआ, प्लस का मतलब क्या है, फादर, एस फादर है किसका, टी का। अब आपके मम्मी की मदर यानी कि आप मैटरनल ग्रैंड मदर हुए टी के, तो यानी कि पहली ऑप्शन ठीक है, ये तो हो गया लॉ मेथड, इससे तो आप कर ही लोगे अगर आपने पिछले क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। अब शॉर्टकट क्या है, जैसे मान लो सिब्लिंग्स हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर होगी, वाइफ होगी, हस्बैंड हो गई, एक फ्लोर में आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं जीरो, नंबरिंग देते हैं जीरो। फर्स्ट फ्लोर में आ जाते हैं फादर मदर, उसको हम बोलते हैं प्लस वन, नीचे वाले फ्लोर में आता है माइनस वन, उसके ऊपर वाले फ्लोर में आता है जैसे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर प्लस टू, है ना। अब देखते हैं मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई मतलब मदर, मदर मतलब कि प्लस वन आ जाता है, हमारे से ऊपर वाले फ्लोर में आते हैं। हमने चेक करना है M से D पूछा है, M से लेके T तक, तो M से लेके T तक आपको पता है कितने फ्लोर का रिलेशन है, प्लस 2 आना चाहिए, तो प्लस 1 आ गया। अब परसेंटेज का क्या मतलब, वाइफ मतलब कि प्लस 0, हमारे ही फ्लोर में आती है वाइफ, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है फादर मतलब कि प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस 1 यानी कि प्लस 2 का रिलेशन यहां तक हो गया, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। एक और चेक कर लेते हैं M से लेके T तक, जैसे ये है, अब इनटू देखो, इनटू मतलब मदर यानी कि प्लस 1, माइनस मतलब ब्रदर यानी कि प्लस जीरो, परसेंटेज मतलब वाइफ मतलब कि प्लस जीरो, और डॉलर मतलब सिस्टर मतलब प्लस जीरो, तो एम से लेके टी तक क्या रिलेशन हुआ, प्लस वन का, तो ये आंसर बोल नहीं सकता। अब यहां चेक कर लो, डॉलर मतलब सिस्टर प्लस जीरो, माइनस मतलब ब्रदर प्लस जीरो, अब प्लस का मतलब फादर यानी कि प्लस वन, ठीक, तो एम से लेके टी तक सिर्फ प्लस वन का रिलेशन हुआ, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब प्लस टू का रिलेशन यहां तक है, तो ये हमारा आंसर है, हमारा एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये थी हमारी ब्लड रिलेशन की पार्ट 3 की कोडिंग फॉर्म। तो आई होप ब्लड रिलेशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ब्लड रिलेशन में कभी भी आपकी जिंदगी में डाउट नहीं आएगा। और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।